हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 27 दिसंबर को आपका एनसीएल का पेपर होने जा रहा है, जो टेक्नीशियन बहाली आई थी अलग अलग ट्रेड के लिए आईटीआई छात्रों के लिए। तो सभी कैंडिडेट अलग अलग सोर्स से खोज रहे हैं कि कैसे इसमें सफलता पाएँ। तो अगर आपको सफलता लेना है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आप लोग को बता दूँगा कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा और कैसे आप लोग स्ट्रेटेजिक बनाए। अभी जो आपका टाइम बचा हुआ है, आपका बहुत कम दिन बचा है, तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो एनसीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी छात्र अगर आप नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो रेड कलर से लिख कर आ रहा है, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, और अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। तो ये मैं बता दूँ, ये जो आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से आपका बहाली निकाला गया था, आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ये आपका डिपार्टमेंट जो है एनसीएल, और यहाँ पे आपका टेक्नीशियन के पोस्ट पे बहाली निकाला गया था। तो पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितना नंबर का आपका पहले पेपर आएगा, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि उसमें कितना कितना मार्क्स पूछा जाएगा और उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैं बता दूँ कि ये आपका पेपर होगा 90 मिनट का, टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 70 टेक्निकल रहेगा, 30 आपका जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो नॉन टेक का पेपर रहेगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो आपका पेपर होगा, ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आपका होगा और सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे भी कि कौन कौन सा कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 70 आपका टेक्निकल का रहेगा, 30 नॉन टेक्निकल, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। इतना चीज़ हो गया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको कितना चैप्टर वाइज कितना कितना क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ उस ऑफिशियल पीडीएफ पे जो इनके द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा ये निकाला गया था। तो देख पा रहे होंगे ये 19/11/2020 के डेट में ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ये रिलीज हुआ था सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, चलिए मैं दिखाता हूँ, नीचे मैं आ जाता हूँ स्क्रॉल करते हुए, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिएगा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों पे। तो देखिए, मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो 70 क्वेश्चन आने वाला है, तो ज़्यादातर आपका मशीन से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आपका 70 में मान के चलिए आपका समथिंग 25-30 क्वेश्चन आपको मशीन से देखने को मिल सकता है। तो मशीन में मैं बात कर लेता हूँ, जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया, एसी मोटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसके बाद आपका ये चीज़ हो गया मशीन। मशीन में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30-40 क्वेश्चन हो गया। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ आपका पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा। तो पावर सिस्टम में आपका आ जाएगा जो आपका ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, आपका सब स्टेशन के बारे में हो गया, केबल्स के बारे में हो गया। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो सब स्टेशन ये सब वगैरह में, आपका पावर सिस्टम में आपका यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो बचा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मान के चलिए आपका ये भी 5-7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही VVI चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो आपका बेसिक है, जो आपका बेसिक हो गया, आपका मैग्नेट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज हो गया, और भी वगैरह वगैरह, जो बैटरीज हो गया, सेल्स एंड बैटरीज हो गया, आपका वायरिंग हो गया, तो यहाँ भी आपको 7-10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया 70 क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ से आएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर करके दोबारा देख लीजिए एक बार, अगर नहीं समझ आया तो दूसरे बार तीसरे बार देखिए। तो देखिए, ज़्यादातर मैं बता दूँ कि फोकस कर लीजिए, जितने भी मशीन वाले चैप्टर है सभी को आप रट्टा मार दीजिए, जितने भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, अभी थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सभी अब जितना से जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 500, 600, 700 जितना भी हो सके, ठीक है। और आपका
बेसिक का आप मजबूत कर लीजिए, आपका सेल्स बैटरी हो गया, वायरिंग हो गया और भी ज़्यादा चीज़ जो है वो सब आप बेसिक देख लीजिए। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आपको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपको यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद ये सभी चीज़ आप पढ़ लीजिए। ये हो गया आपका टेक्निकल का। और नॉन टेक की बात कर लेता हूँ तो 30 नंबर, तो 30 नंबर में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सभी आप जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल होता है प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, उस पर सर्च कर लीजिए और उसमें आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस वगैरह का। तो ज़्यादातर आप फोकस कीजिए आपका टेक्निकल पे, टेक्निकल पे अगर आपका मजबूत हो गया तो फाइनली आपका इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में और इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको देखने को मिल सकता है, तो चैनल पर बने हुए रहिएगा। अगर आप नए देख रहे होंगे तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।